चलिए आखिर आज माननीय अदालत का कुछ फैसला आ गया आप लोग के फेवर में। और फिर आगे चले कुछ एक स्टेप तो आगे बढ़ा, जो अभी नीट का एनटीए का जो एग्जामिनेशन का चल रहा था प्रॉब्लम, फिर से रीनीट होने जा रहा है। वेट, सभी के लिए नहीं, नियर अबाउट 1563 बच्चे जिसको ग्रेस मार्क्स दिया है अब एनटीए ऑथराइज रूप से कर लिया बात। जो ग्रेस मार्क्स है उसको हम लोग हटा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स को माइनस कर दे रहे हैं। उसके बाद अगर कोई भी बच्चे जो 1563 यानी 1563 बच्चे को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया, वो अगर चाहे जो ग्रेस मार्क्स माइनस के बाद भी अगर उसका रैंकिंग ठीक है वह चाहे तो उसी रैंकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, एग्जामिनेशन देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं हम रैंकिंग दूसरा चाहिए, हमको इससे ज्यादा चाहिए और हम ला सकते हैं, कैपेबल हैं, शायद टाइम लॉस के कारण जो मेरा नहीं हो पाया मैं इस बार करके दिखा सकता हूं या दिखा सकती हूं, तो आपके लिए क्या होगा, फिर से आपका एग्जामिनेशन होगा। और वो एग्जामिनेशन 23 जून को होने जा रहा है, 23 जून, यानी आज 13 तारीख का फैसला है और 10 दिन के अंदर में फिर से आपको ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। 30 जून से पहले ऑथराइज कर रहा है, जो हम रिजल्ट भी दे देंगे। वही एनटीए का ट्विटर, नहीं एनटीए का ट्विटर, नीट यूजी 2000 इशू ऑफ द कंपनसेटरी और ग्रेस मार्क्स सब्सिक्वेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ एनटीए द हाई पावर्ड कमिटी, द ग्रेस और कंपनसेटरी मार्क्स जो दिया गया अवार्डेड टू ऑल 1563 स्टूडेंट्स, 1563 स्टूडेंट्स स्टैंड विड्रॉन, हटा दिया गया। अ रीटेस्ट ऑफ ऑल द 1563 कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन द 23rd June 2024, इज इट क्लियर? और 30 जून तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। इसमें क्या, जैसे अगर कोई ये 1563 सभी को आप लोग को बताया जा रहा है, जो एनटीए विल इशू ए पब्लिक नोटिस शॉर्टली एंड विल आल्सो कांटेक्ट दिस कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल, इस कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट किया जाएगा, साथ में कोई पब्लिक नोटिस भी अभी जारी होगा और वो इंश्योर करेगा दैट दे रिसीव द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियली आपको कम्युनिकेशन होगा। उसी में हो सकता है, अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन क्या होगा, जो अगर सपोज कीजिए हमने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए रीनीट में, और एग्जामिनेशन अपीयर होने के बाद जो मेरा ग्रेडिंग आया, जो मेरा रैंकिंग आया, वो रैंकिंग पहले का जो रैंकिंग है उससे अगर नीचे गया तो क्या मेरे पास ऑप्शन होगा, वो पहले वाला जो रैंकिंग ज्यादा है कम है यानी ऊपर है उसको रखने का, या जो बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया उसको रखने का, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हो सकता है शायद ये पब्लिक नोटिस जब आएगा या आपको ईमेल जाएगा उसमें शायद इस बात को एनटीए क्लियर करके भेजेंगे। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, 10 दिन बाकी है, फिर अपने तैयारी में लगिए और यू हैव टू द रीटेस्ट ओवर देयर, रीनेट एग्जाम देना है, यस 23 जून को होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।